If you are not having any logic, please. If you don't, ma'am, with due respect, if you don't have any logic, please don't. If you don't have any logic, आप दूसरे के ऊपर वापस से डिबेट करिए. आप अपने पोजीशन पर वापस से डिबेट करिए. मिरर, ओके, ठीक है. मिरर, मिरर, दिस इज अ मिरर. जो आप बोल रही थी ना कि आपका ये नैरेटिव है, वी आर फ्री पर्सन, वी आर नॉट बॉर्डर फॉर बीजेपी और कांग्रेस. एक लॉजिकल आंसर हो तो आप मुझे बता दीजिए. भाई मुझे नहीं पता था कि मैडम का नॉलेज इतना नैरो है, कांग्रेस का नॉलेज इतना नैरो है कि वो एकदम स्टिकी रहेंगी. स्टार है तुझे, स्टार पे बोलेंगे. बाहर की चीजें हमें नहीं पता है, मैं क्षमा मांग लेता हूँ. और कांग्रेस वालों को बोलूंगा, भैया जरा ऐसे प्रवक्ता भेजा करिए जिनको मल्टी डायमेंशनल नॉलेज हो, जो दो चार छह चीजों पे बात आप तय करेंगे. अगर आप मुद्दों पे नहीं राजनीति कर पा रहे हैं, लेट मी कंप्लीट. एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड. कि प्रियंका गांधी के, मिश्रा जी ने शायद सवाल उठाया था कि प्रियंका गांधी के आने के प्रभाव को निष्प्रभावी करना चाहती भारतीय जनता पार्टी. देखिए, बिल्कुल जैसा कि मिश्रा जी ने भी बताया, एक आपने मुझे कई टॉकिंग पॉइंट दे दिए हैं. आज मैं बहुत खुश हूँ. पहली बार मुझे वो ताकत मेरे साथ है कि पूरी भाजपा मेरे साथ है. मैं पहले जैसे मैं रोना नहीं चाहती हूं, मैं हंसना चाहती हूं. मुझे जीने का हक है, जीऊंगी मैं. एके मिश्रा जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं. और मैम सुनिए, पुलवामा में क्या बात कर रहे हैं मैम, सुनिए. आपका ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव है मैम. आप मैम, सबसे पहली बात तो ये है, एक मिनट रुक जाइए मैम. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, आप प्लीज मुझे ये ना कहें कि आपका ये नैरेटिव है. अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आएंगे ना, मैं उनसे ये सवाल करूंगा. मैं उनसे भी सवाल करूंगा. सवाल पूछने का मेरा हक है. आप ससम्मान, आप मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव तय ना करें ना. मैं पॉलिटिकल शख्सियत नहीं हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है. पॉलिटिकल नैरेटिव जर्नलिस्ट का नहीं होता मैम. विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूं. मेरा कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है मैम. But because I don't care आपका क्या narrative है, मैं ये देख रही हूँ. I don't care आपका क्या narrative है, मैं ये देख रही हूँ कि आपका. मैम शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिसपे मुझे भेजा गया था. सदफ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मुझसे पर्सनल होकर के ही शायद मुझसे आप बहस करना चाहती हैं. अगर ये आप करना चाहती हैं तो मैं इसमें इंटरेस्टेड, मैं पर्सनल बहस में इंटरेस्टेड नहीं हूं. आपको मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए. इंटरेस्ट आपके बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएंगे, आप उनसे करिएगा. मैं मेरा सीधा सा बात यह है कि प्रियंका चूज नहीं कर सकती ना मैम. कोई पिक एंड चूज नहीं कर सकता ना. सदफ मैम सुनिए, टोकनिज्म की राजनीति नहीं करते हैं. सदफ जी सुनिए, पुलवामा में हमला हुआ, 40 आतंकी हमारे शहीद हो गए. उसके बाद जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर कह रहे थे, अपने पिता को याद कर रहे थे. पुलवामा पे नहीं बोलेंगे. आई विल नॉट टॉक ऑन पुलवामा. ठीक है, ये स्टार चेहरों पर ही बोलेंगे. आप स्टार चेहरे का ही सवाल पूछ लीजिए. अच्छा, इनको तो आज लेकिन जयाप्रदा का भाषण पसंद ही नहीं आया. एके मिश्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं. एके बात रखिए अपनी. हर्षित देखिए, मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये है, जब आपके पास लॉजिक नहीं होता है ना, कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे मैं हूं चाहे जो भी हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास लॉजिक नहीं होता है तो वो जिद करते हैं, जी हम नहीं बोलने देंगे, हम नहीं बताएंगे. विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैम को बोलना चाहता हूं, शहजाद पूना वाले जी एक बार मेरे साथ बैठे थे. मैं सारी पार्टियों की बात करता हूं. आप डेस्टिनी देखिए, जब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरा तो क्या हुआ जी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया. मैम आप एक्सप्लेन करिए इसको, कहां गया आपकी डेस्टिनी. एक आदमी पर्चा भर के वो खड़ा भी नहीं हो सकता है. इंटरनल डेमोक्रेसी जो आप बात कर रही है, एक नहीं 500 एग्जाम्पल मैं दूंगा. और मैं सारी पार्टियों की बात करता हूँ. मोदी जी के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? अरे मैम आप अपना बताइए ना, हम मोदी जी पे बात करेंगे. आप अपने भीतर झांक लीजिए. आपने जो लॉजिक दिया था, आप इसी पे बात करिए. डेस्टिनी की बात कहाँ गई? शहजाद पूना वाला को क्यों हटा दिया गया? पर्चा नहीं भरने दिया गया? एक लॉजिकल आंसर हो तो आप मुझे बता दीजिए. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी लॉजिक प्लीज. इफ यू डोंट मैन विद ड्यू रिस्पेक्ट, इफ यू डोंट हैव एनी लॉजिक प्लीज डोंट. इफ यू डोंट हैव एनी लॉजिक, आप दूसरे के ऊपर वापस से डिबेट करिए. आप अपने पोजीशन पर वापस से डिबेट करिए. वापस से डिबेट. शहजाद पूना वाला को क्यों नहीं पर्चा भरने दिया गया अगेंस्ट राहुल गांधी? मैं बीजेपी की भी बात करूंगा. हाउ डिड हिरेन पांड्या डाई?
हाउ डिड अरे मैम पहले शहजाद पूनावाला का बता दीजिए, वो बेचारा रोता रहा सब जगह जाकर, पर्चा तक नहीं भरने दिया गया। डेस्टिनी की हालत ये है पॉलिटिकल पार्टी का। सदर जी ठीक है, मिरर ओके ठीक है, मिरर दिस इज अ मिरर। जो आप बोल रही थी ना कि आपका ये नैरेटिव है, वी आर फ्री पर्सन, we this are not voted for BJP or Congress, this is a mirror to you, first go and investigate about yourself before raising any finger. Ma'am, ek cheez main saaf kar dun, please ek minute, ek cheez pure Hindustan ke samne saaf kar dun, bataur Congress pravakta aap yahan par hain, ma'am is cheez ko is tarah se aap mat rakhiye ki humne stars ki baat karne ko yahan bithaya। एक तटस्थ पत्रकार अगर इधर उधर की बात कर रहा है, अगर चार संदर्भ लेकर के आ रहा है, तो आप यह मत कहिए कि आपको इस टॉपिक पर बात करने के लिए, हाँ बिल्कुल स्टार्स के चेहरे पर बात करने के लिए बुलाया गया, मैं वही सवाल कर रहा हूं। मैम एक मिनट जाकर के मैम ये नहीं होना चाहिए कि वो एकदम स्टिकी रहेंगी, स्टार है तो जी स्टार पे बोलेंगे, बाहर की चीजें हमें नहीं पता है। मैं क्षमा मांग लेता हूं और कांग्रेस वालों को बोलूंगा, भैया जरा ऐसे प्रवक्ता भेजा करिए जिनको मल्टी डायमेंशनल नॉलेज हो, जो दो चार छह चीजों पे बात आप तय करेंगे। अरे आप बीजेपी तय, अरे आप तय कर लो ना, आप तय कर लो ना, बीजेपी से नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ की मैं केवल स्टार पे बोलूंगा, बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से नहीं है, बीजेपी से मतलब है ना, कांग्रेस से मतलब है, आपका सम्मान है। नीचे वो डिटेल्स तो आ नहीं रहे, मेरा मतलब केवल लॉजिक से है। आप अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है तो कांग्रेस की हर चीजों का सवाल आपसे हम पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप बीइंग फीमेल आप ही बात कर रहे हैं। थोड़ा पानी पीजिए सदब जी, थोड़ा पानी पीजिए, दोबारा आएंगे आपके पास। ठीक है ठीक है, आप गहरी सांस लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दो मिनट में आपके पास आते हैं दोबारा। डॉक्टर वंदना पांडे, आपसे मेरा सवाल, जयप्रदा का आज का भाषण आपको कैसा लगा? देखिए जयप्रदा जी मंच से, चूंकि रामपुर से उनका जुड़ाव रहा है, मुरादाबाद से उनका जुड़ाव रहा है, जो भी है उनका क्षेत्र है, तो वहां जब वो मंच पर पहुंची, सदर जी को दिक्कत है क्या? सदर जी मुझे दिक्कत ये हो रही है कि नीचे नाम नहीं आ रहे, अच्छा, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन है। अगर वो नीचे नाम आ रहे होते तो मैं उनको ये गलती नहीं करती। अच्छा ठीक है मैम। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि मिश्रा जी आपसे ही अगला मेरा सवाल होगा, क्या वाकई लगता है आपको स्टार्स का वो प्रभाव छूटेगा जनता पर? क्या वोट बैंक हासिल होगा जिस तरह की कोशिश की जा रही है खासतौर से बीजेपी से? रचना आपका क्वेश्चन बड़ा इंटेलेक्चुअल है और तीन पार्ट में मैं इसका जवाब दूंगा। आप देखिए सबसे पहले हिस्ट्री देखिए, जब जब स्टार यानी ये फिल्मी सितारे जब आसमान से यानी बॉलीवुड के आसमान से जमीन पे उतरे हैं, चुनावी जमीन पे, तो इन्होंने जीत हासिल की है, तो डेफिनेटली इसके पीछे लॉजिक है कि स्टार लोगों का ऑलरेडी पब्लिक से कनेक्ट बहुत होता है, अपने फिल्मों के द्वारा उन्होंने पब्लिक के मन मस्तिष्क में एक जगह बनाई रहती है और बड़ी पॉजिटिव इमेज बनाई रहती है। हीरो का मतलब ही होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो पब्लिक के दुख दर्द से उसको निजात दिला दे, तो इसका इंपैक्ट ऑलरेडी एक बैकग्राउंड तैयार रहता है बैक ऑफ द माइंड पे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए, हिस्ट्री भी उठा के देखिए, जहां जहां स्टार गए हैं लगभग जीते हैं। तीसरी चीज आप और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल अप्रोच है, भाई सारी पार्टियों ने स्टार का यूज किया, मेरे कहने मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूं। देखिए जैसे निरहुआ को उतारा गया, उसके बाद और जो है भोजपुरी, यूपी बेल्ट में चार पांच स्टार उतरे हुए हैं और पूर्वांचल में भोजपुरी स्टार उतरे हुए हैं, तो व्हाट इज द लॉजिक एंड रीजन? बीजेपी का बहुत मास्टर माइंड यहां चल रहा है, पूर्वांचल में प्रियंका गांधी भी उतरी है, तो बीजेपी का एक लॉजिक एक टास्क ये भी है कि प्रियंका गांधी के कैंपेन को या स्ट्रेटेजिक एक्शंस को जो फ्यूचर के लिए है फेल कैसे किया जाए, वो भोजपुरी बेल्ट में भोजपुरी एक्टर के थ्रू उनको निष्प्रभावी करना चाहते हैं। एक और बोलूंगा, ये बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये एक तरीके से अधिकारों का हनन भी है, पूछिए कैसे। मैं बीजेपी से क्वेश्चन पूछता हूँ, 70 साल से आप राजनीति कर रहे हो, आपके पास विनिंग कैंडिडेट खत्म हो गए, जो आपको बाहर से लाना पड़ रहा है, स्टार को लाना पड़ रहा है, आपके पास उस एरिया में नेता नहीं है, यूपी में नेता नहीं बचे। सदब जी से मुझे सवाल करने दिए, एक आपने मुझे कई टॉकिंग पॉइंट दे दिए हैं, एक आपने मुझे कई टॉकिंग पॉइंट दे दिए हैं इस डिबेट को आगे बढ़ाने के। दिनेश जी आ रहा हूँ आपके पास। सदब जी यहाँ पर न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने एक बात बोली है, उनका कहना यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर भोजपुरी स्टार्स को
या फिर स्टांस को भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया है ताकि जो स्ट्रैटेजिक एक्शंस हैं प्रियंका गांधी के उन्हें निष्प्रभावी कर दिया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन स्टार्स का मुकाबला प्रियंका कैसे करेंगी? देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ राशिद, मैं फिर से वही कहूंगी आपसे कि देखिए ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है तो इसमें और कहीं पे भी कोई किसी का ध्यान नहीं भटकेगा, चाहे वो जया प्रदा लेकर जाए, चाहे वो कोई और जो हमारे इलाहाबाद में नहीं था जब अमिताभ बच्चन आए थे, 1984 में इलाहाबाद का चुनाव मुद्दों का नहीं था जब अमिताभ बच्चन आए थे और हेमवती नंदन बहुगुणा को 5 लाख वोटों से हरा दिया। एक एक बार सुन लेते हैं, एक एक बार सदर जी सुन लेते हैं, एक चंक में बोलो। जी जी मैम जी बोलिए बोलिए। तो द थिंग इज दैट कि चाहे अमिताभ बच्चन आए हो, चाहे वो राहुल गांधी जाएंगे, चाहे वो इमरान मसूद जाएंगे, चाहे वो उर्मिला मातोंडकर जाएंगी, ये जाएंगे अपने मुद्दों पे मैनिफेस्टो पे बात करने। अगर जनता कन्विंस होगी तो ये लोकसभा जाएंगे, नहीं कन्विंस होगी तो हम सब देखेंगे 23 मई को। इट डजंट मेक अ डिफरेंस लोकतंत्र में कि कौन है। अगर आप मुद्दों पे नहीं राजनीति कर पा रहे हैं, लेट मी कंप्लीट, एक सेकेंड मिश्रा जी, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। कि प्रियंका गांधी के मिश्रा जी ने शायद सवाल उठाया था कि प्रियंका गांधी के आने के प्रभाव को निष्प्रभावी करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। कि प्रियंका गांधी के मिश्रा जी ने शायद सवाल उठाया था कि प्रियंका गांधी के आने के प्रभाव को निष्प्रभावी करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। होगा अमित अग्रवाल जी, स्टार्स को पार्टी हर पार्टी की तरफ से उतारा जा रहा है, खासतौर से बीजेपी, क्या स्टार्स अपने स्टारडम का फायदा उठा पाएंगे चुनाव में? देखिए बिल्कुल जैसा कि मिश्रा जी ने भी बताया जब स्टार्स आते हैं उनका एक रेडी कनेक्ट होता है क्योंकि उनका चेहरा जो है वो जनता जानती है, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली स्टार्स को मिलता है और पार्टीज़ को भी मिलता है।